सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, ऑनर कंपनी की तरफ से आने वाला ऑनर ATX जो फाइनली आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जो ऑलरेडी लास्ट मंथ चाइना में लॉन्च हो चुका था, अब ये इंडिया में आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी क्या प्राइस है और इसकी क्या अवेबिलिटी हो सकती है इसके बारे में बताना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूँगा। तो हम स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले आती है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस की 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में आपको डिस्प्ले, नॉच वाली डिस्प्ले आपको मिल जाती है। इसमें आपको ग्लास फिनिश मिलता है फ्रंट और रियर में, और इसमें ग्लॉसी फिनिश के साथ में आपको ये बॉडी फुल आपको मिल जाती है। तो एक अच्छी बॉडी और प्रीमियम लुक के साथ आपको अच्छी डिस्प्ले आपको मिल जाती है। अब बताते हैं इसके चिपसेट की। तो चिपसेट में आपको हाई सिलिकॉन का किरिन 710 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे चलने वाला आपको प्रोसेसर मिल जाता है, जो एक ऑक्टाकोर पावर्ड है, जिसमें जो प्राइमरी कोर्स है 4 कोर 2.2 GHz पे काम करते हैं कॉर्टेक्स A73 पे, और दूसरे जो 4 कोर सेकेंडरी 4 कोर है वो 1.7 GHz पे कॉर्टेक्स A53 पे काम करते हैं। अब बताते हैं इसके GPU की। तो GPU में आपको मालिका G51 MP4 का आपको टर्बो GPU आपको मिल जाता है। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस फोन में मिलने वाली है। अब बात आती है इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज और 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में ये 3 वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। इसमें माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन इसमें दिया गया है, डेडिकेटेड स्लॉट इसमें मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, और इसमें आपको 400 GB तक की स्टोरेज आप एक्सपेंड कर सकते हो। अब बात आती है इसके रियर कैमरा की। तो रियर कैमरा में आपको 20+2 MP का कैमरा आपको मिल जाता है, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा इसका एपेचर f1.8 का इसमें एपेचर दिया गया है। जो दूसरा जो कैमरा सेकेंडरी कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए है, यानी कि बुके इफेक्ट करने के लिए आपको ये कैमरा दिया जाता है। और इसमें आपको सभी फीचर्स, आपको AI के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, HDR का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसमें एलईडी फ्लैश भी आपको इसमें मिल जाती है। इसमें फुल HD तक की 13 FPS तक की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब बात आते हैं इसके फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट कैमरे में आपको 16 MP की सेल्फी मिलती है, जिसका एपेचर f2.0 का इसमें एपेचर दिया गया है। AI पोर्ट्रेट, AI HDR, AI स्टिकर के सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। तो इसमें भी आपको सभी फीचर्स कैमरा की तरह जैसे आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब बात आती है इसके बैटरी और सॉफ्टवेयर की। तो बैटरी में आपको 3750 mAh की आपको बैटरी मिलती है, तो घबराए मत, इसमें आपको थोड़ा सा चार्जिंग एडेप्टर थोड़ा फास्ट है, जो 5V 2A 10V का आपको चार्जर मिल जाता है। इसमें एंड्रॉइड ओरियो 8.1 रन करता है सॉफ्टवेयर में, और वो एक कस्टमाइजेशन EMUI 8.2 पे चलने वाला ये सॉफ्टवेयर है 8.1। अब बात आते हैं इसके कनेक्टिविटी और सेंसर की। तो कनेक्टिविटी की बात करो तो इसमें आपको माइक्रो USB 2.0 मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा, टाइप सी पोर्ट इसमें नहीं मिलता, और इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट इसमें दिए जाते हैं, दो नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात आती है इसके सेंसर की। तो सेंसर में आपको सभी सेंसर, जनरली जो सेंसर है वो सभी सेंसर आपको मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ का 4.2 आपको इसमें मिलता है। तो ये बात थी कनेक्टिविटी और सेंसर की। अब बात आती है इसकी कलर वेरिएंट और प्राइस की। तो इसमें आपको ब्लैक, ब्लू और रेड, ये 3 कलर वेरिएंट में आपको इस फोन मिल जाएगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो 4 GB रैम, 64 GB की जो प्राइस है वो है 14,999 रुपये, यानी कि 15,000 की प्राइस रखी गई है। 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस रखी गई है 16,999 रुपये, यानी कि 17,000 की प्राइस इसमें रखी गई है। जो लास्ट जो वेरिएंट है 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में जो वेरिएंट है वो 18,999 रुपये, यानी कि 19,000 का स्मार्टफोन आपको पड़ेगा। यानी कि रियलमी ब्रांड ने जो फ़ोन निकाला था, जो 20,000 के अंदर में आपको 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट मिलता था, वैसे ही आपको इसमें मिल जाता है। अब बात आते हैं इसके अवेलेबिलिटी की। तो आपको ये अमेज़ॉन पे एक्सक्लूसिव अवेलेबल हो जाएगा 24 अक्टूबर से, तो आपको वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी ऑनर ATX की स्पेसिफिकेशन वीडियो। दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन ये ऑनर कंपनी की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन है। तो ये थी ये ऑनर ATX की स्पेसिफिकेशन वीडियो और इसकी अवेलेबिलिटी और प्राइस की बात। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।